Hello viewers, I am Dr. Jayashankar. I am a physiotherapist practicing since 16 years. आज मैं हूँ मानव नॉलेज सीरीज पे. आज अपन डिस्कस करेंगे सियाटिका के बारे में. तो सियाटिका जो होता है तो लोग कंप्लेंट देते हैं कि कमर में दुख रहा है. तो कमर में दुख रहा है और उसके साथ टिंगलिंग सेंसेशन, चुंडियाँ खाटे जैसे होते हैं और थोड़ा नमनेस भी रहते हैं, तो उसको सियाटिका कहते हैं. तो कैसे होते हैं सियाटिका? थोड़ी लोग कंप्लेंट देते हैं कि खाली कमर में ही दुख रहा है, थोड़ी लोग कंप्लेंट देते हैं कि मेरे को बटक में भी दुख रहा है, और थोड़ा लोग पूरा पैर भी दुख रहा है और उसके साथ चुंटे कांटा जैसे होते हैं, जलन. तो दिस इज कॉल्ड सियाटिका. और काजेस क्या रहते हैं उसके? तो कैसे होते हैं? ओवरवेट मीन्स अपन हाइट के हिसाब से वजन भी रहना चाहिए, इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स. और डायबिटीज, जो शुगर होता है थोड़ी लोगों को, इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. और तो उनको ट्रॉमेटिक इंजरीज रहता है. तो क्या है ट्रॉमेटिक इंजरीज? क्या है? आरटी एक्सीडेंट्स और एनी डिस्क प्रोलैप्सेस और अपन पिसल के गिरते हो, सेल्फ इंजरीज. ये तो काजेस ही है. ये सियाटिका बोले तो क्या है? जो अपन को वर्टेब्रल कॉलम जो रहता है उसके बीच में जो स्पेस रहता है वो थिन हो जाती है, कम हो जाती है. तो L4 से लेके L5, S1, द बीच में जो सियाटिक नर्व ऑरिजिन बोलते हैं उसको, द बर्थ ऑफ द नर्व, तो बीच में घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस्ड इंटर वर्टेब्रल स्पेस. तो घुस जाने से अपन को ये दर्द दुखता है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, नमनेस भी रहता है. तो बाद में सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके? लोअर बैक पेन, कमर में दुखता है और पेन रेडिएशन रहता है. जो सियाटिका बैक साइड सप्लाई होता है तो एंटायर सियाटिका नर्व पेन रहता है उसमें, टिंगलिंग काइंड ऑफ सेंसेशन, नमनेस, टाइटनेस ऑफ द कमर, ये सिम्टम्स है. देयर आर टू इन्वेस्टिगेशंस, वन इज मेडिकल एंड अदर वन इज सेल्फ इन्वेस्टिगेशन. मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो कॉमन तो एक्सरे है, तो एक्सरे में दिखा देंगे अपन को स्पेस, वर्टेब्रल कॉलम का जो स्पेस रहती है, हड्डियाँ कैसे कुछ घुस गए तो गैप कम हो गए वो दिखता है. अगर नर्व भी इंजरी होगा और नर्व कट होगा तो उसको क्या करना है अपन? MRI, मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेज, MRI स्कैन. जो MRI स्कैन में आपको मालूम पड़ेगा जो एंटायर मजल इंजरीज, नर्व इंजरीज, बोन इंजरीज, इट्स द डीपेस्ट इन्वेस्टिगेशन है. सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है? खुद अपन के बॉडी से कैसे टेस्ट कर लेना है अपन? मैं बताऊंगा आपको कैसे करूंगा. ये चिन्ह है, चेस्ट को टच करने के ट्राई करो. अगर टच होने के बाद थोड़ा सा झुक जाओ, जब लोअर बैक कमर में दर्द देंगे और थोड़े लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन भी रहता है, लाइक जल 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 चुंटियाँ कांटे जैसे होते, नमनेस भी रहते, टाइटनेस भी होते, अब समझ जाओ ये सियाटिका है. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन देख लिया आप कैसे करना है और सेकंड सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है अब देखेंगे आप. एक छोटा का कॉइन जमीन पर रख दीजिए एंड आज द पेशेंट, और आप सेल्फ ट्राई कर लेते हो कॉइन को उठाने के लिए. ट्राई करना, घुटियों को मोड़ना नहीं, सीधा रखना घुटनियों को और कॉइन उठाने के ट्राई करना. अगर आप नहीं उठा पा रहे और कमर में दर्द भी दे रहे साथ में तो समझ जाओ सियाटिक पेन है, लोअर बैक पेन है. तो मैं दिखाऊंगा आपको फिजिकल थेरेपी कैसे यूज होते हैं आपको. तो दो हाथ ऐसे रखिए स्ट्रेट, दो पैर ऐसे रखिए स्ट्रेट एंड आज द पेशेंट टू लिफ्ट लेफ्ट हैंड विद द राइट लेग. घुटनियों को मोड़ना नहीं, ऐसा सीधा उठाना है. होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, काउंट फॉर 20, 1 to 20, देन अगेन रिलैक्स, देन अगेन ऑल्टरनेट साइड, राइट हैंड विद द लेफ्ट लेग. Hold for 10 seconds, count for 20, again relax. So, this is the first pattern. We have 4 kind of patterns sciatica exercise ke bare mein. It is not sciatic exercise, it is to how to avoid sciatic problem, how to avoid lower back issues, how to avoid neck raises, jo gardan ka jo aate hai darad, wo kaise apan ko nahi aana. To dekhenge, we done first pattern,
अभी दूसरा पैटर्न देख लेंगे क्या करते हैं अपन। दो हाथ को ऐसा सीधा करिए, आज द पेशेंट टू लिफ्ट ओनली बोथ द हैंड, दो हाथ उठाना है बस, लोअर बैक पूरा रिलैक्स होना है, खाली दो हाथ को ऊपर उठाना है नेक के साथ लाइक दिस। ये लेग जो है स्ट्रेट रहना है, टच द बेड, होल्ड फॉर 10 seconds, काउंट फॉर 20, देन अगेन कम डाउन, रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। द फर्स्ट पैटर्न हो गया। सेकेंड पैटर्न में हाफ ऑफ द पार्ट और ये जो अपन करें अभी वो गर्दन और थोरैसिक रीजन जो रहता है जो वहां तक होता है, और लोअर बैक के क्या करना है, अभी अपर बॉडी को रिलैक्स करना है अपन, अपन लोअर बॉडी को क्या है, आज द पेशेंट टू लिफ्ट बोथ द लेग्स एट ए टाइम, वंडरफुल, होल्ड फॉर 10 seconds, काउंट फॉर 20, देन रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। दिस इज सेकेंड पैटर्न। अभी तीसरी पैटर्न क्या है देखेंगे, आज द पेशेंट टू लिफ्ट ऑल द लिम्स, हैंड्स, लेग्स, बोथ द हैंड्स एंड लेग्स, वंडरफुल वंडरफुल, 1, 2, 3 लाइक दैट, होल्ड फॉर 10 seconds, काउंट फॉर 20 एंड रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। फोर्थ पैटर्न देखेंगे क्या होता है, आज द पेशेंट टू मेक इज बॉडी पोजिशन एंड क्रॉलिंग, छोटा बच्चे जो चलते हैं हाथों पे घुटनियों पे, तो आस्क हिम टू कीप दैट पोजिशन, आ जाइए घुटनियों पे लाइक दैट लाइक दिस। ये एक्सरसाइज जो है जमीन पे एक मैट डाल लेके करे तो बैलेंस हो जाएगा बॉडी, टेक केयर ऑफ यू वाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब फर्स्ट पैटर्न अपन जो करा था, लेफ्ट हैंड राइट लेग, आस्क हिम टू लिफ्ट, कीप इट इन द एयर, बैलेंस हिज बॉडी और एल्स सपोर्ट, होल्ड फॉर 10 seconds, 24 काउंट्स एंड रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, देन अगेन ऑन द ऑपोजिट साइड, राइट हैंड विद द लेफ्ट लेग, मेक श्योर दैट आपका घुटने स्ट्रेट है, नी, होल्ड फॉर 10 seconds, काउंट फॉर 20, देन रिलैक्स, ठीक है, डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। ये फोर पैटर्न्स अपन जो बात करें, ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस डे बाय डे, बोले तो आज 5 बार करें, कल 10 बार करो, फिर तीसरे दिन 15 बार करो, ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस टू स्ट्रेंथ योर बैक मसल्स, जो गर्दन से लेके कमर तक जो मसल्स है अपन की, यह स्ट्रेंथ होना लाइफ लॉन्ग करे तो भी अच्छा रहेगा आप। तो डियर व्यूअर्स, आज अपन डिस्कस कर रहे थे सियाटिका के बारे में, तो ये सियाटिका क्या होता है, रीजंस, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल एंड सेल्फ एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड व्हाट फिजियोथेरेपी विल हेल्प, फिजियोथेरेपी क्या हेल्प करता है ये सियाटिका पेशेंट्स, वो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। अगली बार दूसरी इंजुरीज और कंडीशंस विच इज़ रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी फिर आपके आगे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।